चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स और उसके बाद में बात करेंगे डेटा टाइप्स। ठीक, तो वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है? वेरिएबल्स का मतलब होता है जो आपके प्रोग्राम में वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है, इसको हम डेटा वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोग्राम में किसी वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है, वैल्यू को इनपुट लेना, आउटपुट लेना या कैलकुलेशन लेने का करने का काम करता है, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि आपने लिखा x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर x आपका वेरिएबल माना जाएगा और 10 आपकी वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकली राइट साइड में हमेशा वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि डेटा वैल्यूज मतलब ऐसे स्मॉल कैरेक्टर्स, हम बोल सकते हैं ऐसे कैरेक्टर आर ऐसे वर्ड जो प्रोग्राम में किसी वैल्यू को होल्ड करने का काम करते हैं, वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं, इनपुट आउटपुट या कैलकुलेशन में काम करते हैं, उन स्मॉल कैरेक्टर या वर्ड्स को हम डेटा वैल्यू मीन्स वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स आपके वैल्यू के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करने का काम करते हैं। मतलब जब भी हम प्रोग्रामिंग में या सिस्टम के अंदर कोई भी वैल्यू इनपुट देते हैं तो उस वैल्यू को मेमोरी असाइन करना, मेमोरी को रजिस्टर्ड करने का जो काम करता है वो वेरिएबल करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोग्रामिंग में x इज इक्वल टू 10 इनपुट करते हैं तो 10 वैल्यू होगा, x वेरिएबल होगा, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सबसे पहले इस x के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा। क्लियर, कहने का है मतलब एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा और वो मेमोरी ब्लॉक x के नाम से रजिस्टर्ड होगा। क्लियर है ना, x के लिए क्रिएट नहीं हो रहा है, x के नाम से रजिस्टर्ड हो रहा है, जिसमें x को दी जाने वाली वैल्यू स्टोर होगी। जो भी वैल्यू हम x को इनपुट करेंगे, इस वेरिएबल को इनपुट करेंगे, वो वैल्यू उस मेमोरी ब्लॉक में जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स मीन्स ऐसे डेटा वैल्यूज आर स्मॉल कैरेक्टर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज टू होल्ड एनी वैल्यू इन द प्रोग्राम, दैट आर यूज टू कैलकुलेट एनी वैल्यू इन द प्रोग्राम, एंड द मेन रोल ऑफ वेरिएबल इज टू रजिस्टर द मेमोरी ब्लॉक फॉर द गिवन वैल्यू। एनी वैल्यू दैट वी हैव गिवन इन द प्रोग्राम, उस वैल्यू को मेमोरी ब्लॉक असाइन करना, मेमोरी ब्लॉक रजिस्टर्ड करना उसके लिए, ये आपके वेरिएबल का काम होता है। ठीक है, क्लियर, ये वेरिएबल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, आप C++ जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करते समय हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये होता है वेरिएबल के केस में कि आप, हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूल्स फॉर द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के लिए रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले वेरिएबल जो होता है वो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट्स बाय कैरेक्टर, हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी नॉट बाय एनी नंबर, कभी भी हम उसको किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर जो होता है, स्पेशल कैरेक्टर उससे स्टार्ट नहीं हो सकता, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे एट द रेट का साइन या हैश का साइन या कोई दूसरा साइन जो होता है, उसके द्वारा हम वेरिएबल को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो लाइब्रेरी कीवर्ड्स होते हैं, लाइब्रेरी कीवर्ड्स जो होते हैं वो कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकते, उनको हम कैन नॉट बी वेरिएबल, उनको हम वेरिएबल के नाम से यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं, जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको ध्यान रखना है वेरिएबल हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स को हम वेरिएबल मतलब स्टार्टिंग हम नहीं कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर से, और लाइब्रेरी कीवर्ड को हम वेरिएबल के जैसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पर x, तो x इज इक्वल टू 20 कैरेक्टर है, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा।
आप x1 इज इक्वल टू 30 करेंगे, ये भी आपका माना जाएगा क्योंकि ये स्टार्ट कैरेक्टर से हो रहा है, एंड भले ही यहाँ पर नंबर से हो रहा है, ठीक है। आप अंडरस्कोर x लेंगे, ये भी आपका माना जाएगा बिल्कुल वैलिड है क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर कैरेक्टर मैंने बताया इससे स्टार्ट हो सकता है। अगर हम नंबर से स्टार्ट करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा, कोई भी वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया भाई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग करते समय, ठीक। अब हम देखते हैं वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, दो चीज़ें होती हैं वेरिएबल के साथ में। सबसे पहले होता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, दूसरा होता है उसकी डेफिनेशन। डिक्लेरेशन से मतलब क्या होता है, जब हम किसी वेरिएबल को उसके डेटा टाइप के द्वारा मेंशन करते हैं, आपने प्रोग्रामिंग की तो प्रोग्रामिंग में वैल्यू देने से पहले, प्रोग्रामिंग में किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने से पहले जब हम उसको उसके डाटा टाइप के द्वारा इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो उसका डिक्लेरेशन कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा कैरेक्टर एक्स, तो एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेगा या कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन से हमें ये पता चलता है कि वेरिएबल का नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह के वैल्यू लेगा, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में या C++ प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को वैल्यू देने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है। बिना डिक्लेयर किए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, उसको कोई वैल्यू देते हैं, वो उसकी डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब डेटा टाइप के द्वारा वेरिएबल को मेंशन करना, और डेफिनेशन मतलब वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। जैसे आपने लिखा है x इज इक्वल टू a, तो ये क्या हो गई, उसकी वैल्यू दी आपने, x को एक वैल्यू असाइन कर दी, तो ये क्या कहलाता है, उसका डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन, दो चीज़ें आपको यूज करना है। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम वेरिएबल्स को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, या उनका स्कोप अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से होता है। सबसे पहला होता है आपका लोकल वेरिएबल, और सेकेंड होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली इनके डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। एक ऐसा वेरिएबल जिसको किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाता है, और उसका स्कोप जो रहता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक या फंक्शन के अंदर ही रहता है, हम उसके बाहर उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने मेन मेथड बनाया या कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं, और उसके अंदर ही अगर हमने कोई वेरिएबल लिया, इंटीजर एक्स या कैरेक्टर एक्स या जो भी वेरिएबल आपने लिया, तो वो पर्टिकुलर उस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा, उस ब्लॉक के बाहर उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे वेरिएबल लोकल कहलाते हैं जो किसी ब्लॉक के अंदर ही यूज होते हैं, किसी फंक्शन या मॉड्यूल के अंदर ही यूज होते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जिनको ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है, जिनको एक कॉमन प्लेस पर डिक्लेयर किया जाता है, और इसे हम कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपका पूरा प्रोग्राम में किसी भी मॉड्यूल के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं, वो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स दोनों को यूज करते हैं। मैन मेथड से पहले जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो ग्लोबल कहलाएंगे, उनको हम कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, और जहां पर हम उसको यूज कर पाते हैं जो लिमिट होती है उनकी, वो उनका स्कोप कहलाता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। ऐसा ही आप लोकल के साथ में करेंगे, पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर ही हम उसको डिक्लेयर करते हैं, और वहीं पर हम उसको यूज कर पाते हैं, वो उसका स्कोप कहलाता है या लोकल वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल के विषय में कि वेरिएबल्स होता क्या है, उसके रूल्स क्या होते हैं, और किस तरीके से हम लोकल या ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।